देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। ठेकेदारों की लापरवाही से गई मासूम की जान, निर्माणाधीन गड्ढे की मिट्टी में दबे 5 बच्चे, ग्रामीणों की मशक्कत से निकाला गया सबको, एक की हुई मौत, बाकी चारों सुरक्षित हैं। मामला पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड अंतर्गत सतकुदरिया पंचायत के वार्ड संख्या 1 का है, जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मिट्टी खुदाई का कार्य जेसीबी के माध्यम से चल रहा था। इसी दौरान पास में खेल रहे 5 बच्चे अचानक गड्ढे में गिर गए और ऊपर से मिट्टी का बड़ा सा ढेर उनके ऊपर गिर गया। 5 बच्चे मिट्टी में दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद 5 बच्चों को गाँव वालों ने मिट्टी के अंदर से निकाला है। 4 बच्चे सुरक्षित निकाले गए और 5वें बच्चे को जेसीबी की मदद से निकाला गया, जो मृत निकला। खेलने गए थे बस, जैसे भी उधर माटी खोद रहा था, हम सब बस गए उसमें, मिट्टी कतर में चल गया। कैसे, अपने आप मिट्टी गिर गया था? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हमको मालूम नहीं। उसके बाद मालूम नहीं? होश नहीं तुम लोगों को? नहीं। मिट्टी के अंदर थे तुम लोग? जी। चोट उठ भी लगा है? और तुम लोग के साथ जो था नसीम, वो कहाँ है? डेट कर गया। सबसे नीचे कौन था तुम लोग में? सबसे नीचे जो डेट किया। कितने लोग गए थे तुम लोग? 8 लोग। ये 5 तुम लोग दब गए थे उसके अंदर? इस मामले में सतकुदरिया पंचायत के मुखिया व सरपंच बताते हैं कि सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की है, जो इस निर्माणाधीन सड़क में काम करने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नहीं रख रहे थे। वहीं पास में जेसीबी की लगातार खुदाई भी चल रही थी, लेकिन उन लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ग्रामीणों में हो हंगामा और शोर मचना शुरू हुआ, बावजूद इसके उन लोगों ने कोई खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, जैसे ही मामला तुल पकड़ता हुआ दिखाई दिया, मुंशी वहां से फरार हो गए। जेसीबी लेकर ड्राइवर भी फरार हो गया था, लेकिन काफी दूर जाकर ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा है। आज सर जो है ना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ चल रहा था, उसी में जेसीबी से मिट्टी को आई, उसी में बच्चा जो है गढ़ा था, कैसे कैसे वहाँ बच्चा पहुँचा तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से मिट्टी जो धसना मारा ना, उसमें सब चपा गया। अच्छा, क्या ये जो मिट्टी है वो जेसीबी डाला है या फिर अपने से गिरा है मिट्टी, ये कोई जानकारी है आप लोगों को? नहीं, उतना तक तो जानकारी नहीं है, क्योंकि अचानक से सारा मिट्टी धसना ये कोई आम बात है नहीं। नहीं कर सकते, हम लोग नहीं थे। जेसीबी वाले उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? जेसीबी वाले वहीं थे। वहीं थे, क्या उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी जब वो काम कर रहे थे वहाँ पर? जेसीबी वाला इस वक्त कहाँ है? जेसीबी वाला तो ये हम लोग के अंदर है, अंदर में है ड्राइवर। उससे बातचीत हुई, वो क्या बताया? अभी उससे बातचीत नहीं, कुछ नहीं बोला। सूचना दी गई पुलिस को? हाँ, हो गया। सूचना दी गई। कौन सा गाँव है ये? लहरी टोला। अच्छा, इस हादसे में क्या नुकसान हुआ, कितने बच्चे दबे हैं? 5 दबाए थे। हाँ हाँ, उसमें 4 तो घायला है और एक का डेथ हो गया। कितनी देर पहले की घटना है? 11:30 बजे। 11:30 बजे। इतने देर में भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे अब तक यहाँ? नहीं पहुंचे नहीं। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आए थे? एम्बुलेंस वगैरह? सर यहाँ थोड़ा सा आज सुबह से ही मिट्टी का खुदाई काम चल रहा था जेसीबी के द्वारा। लगभग 11 बजे सूचना मिली कि मिट्टी जो खुदाई जेसीबी के द्वारा किया गया है, वहाँ कुछ बच्चे दब गए हैं मिट्टी करके। जानकारी जेसीबी भी वहाँ पहुँचे तो देखे कि जेसीबी जहाँ बच्चा दबाया तो उसे कुछ दूर में जेसीबी चला रहे थे, लेकिन जेसीबी से जो मिट्टी का खुदाई किया गया था तो जो ठेकेदार हैं इस योजना के, उनको चाहिए कि जो मिट्टी का हम खुदाई करें, एक छोटा सा जगह पे खुदाई करें और बड़ी सी गड्ढी हो रही है, तो ऑटोमेटिक है कोई भी बच्चे खड़े होंगे वहाँ पे या कोई भी किसी भी तरह के लोग खड़े होंगे तो वो धसेगा ही मिट्टी। तो बच्चे लोग वहाँ बगल में गांव है, पास में घर है, तो बच्चा लोग खेलने के क्रम में वहाँ चले गया,
खेलने के दौरान मिट्टी धसना मार दिया जिससे बच्चे लोग गड्ढे में चले गए। पड़ोस के ही कुछ खेत वाले जो वहाँ पे खड़े थे उनके द्वारा देखा गया कि बच्चे लोग इसमें धस गए। उन्हीं के हल्ला करने के बाद ग्रामीण लोग दौड़े और सभी के सहयोग से बच्चे लोग को निकाला गया, जिसमें चार बच्चे तो अभी सही ठीक हैं, लेकिन एक बच्चे जो नसीम है जिनका उम्र 10 साल है वो मर चुका है। अच्छा, क्या उस दरमियान जेसीबी को ये पता नहीं चला कि बगल में इतना बड़ा हादसा हुआ? जेसीबी था, जेसीबी जो ठेकेदार हैं उनका मुंशी था, किन्हीं को किसी तरह का पता नहीं है कि वह बच्चा दबा गया। जब ग्रामीण लोग वहाँ पहुँचे, हो हल्ला किए, फिर भी वो अपना गड्ढा मिट्टी कोर रहे हैं। ये नहीं कि जल्दी से गाड़ी लेकर आए, जल्दी से हम यहाँ बच्चे को निकाले। ग्रामीण लोग कुदार से खोद के चार बच्चे को निकाल लिए। पांचवा बच्चा जो मृत घोषित है उनको जेसीबी के द्वारा बाद में निकाला गया, लगभग 2 घंटा बाद। तो ये लापरवाही किसकी नजर आ ये है? लापरवाही ठेकेदार की है, ठेकेदार के द्वारा पूरी लापरवाही है। ठेकेदार को चाहिए कि जब हम ये योजना चला रहे हैं सबसे पहले निगरानी के तौर पे किसी को वहाँ रखें ताकि बच्चे लोग आ नहीं सके बगल में गाँव, लेकिन ठेकेदार के द्वारा किसी भी तरह का कोई सुविधा वहाँ पे नहीं। अच्छा, ये योजना कौन सा है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। अच्छा, इस मामले का संज्ञान लेने अधिकारी कोई आए हैं कि प्रशासन जी, तौर पर? जी, अभी मरंगा थाना अध्यक्ष का फोन आया था कि क्या बात हुई है, हमने उनको सारी जानकारी दी है, वो आ रहे हैं और इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया गया है। अच्छा, आप लोग क्या बतौर सरपंच और प्रतिनिधि क्या इन जो योजना चल रही है, जो ठेकेदार हैं खासतौर पर जिनकी लापरवाही बता रहे हैं, इनके खिलाफ आप लोग मामला दर्ज कर रहे हैं? एकदम, मैं चाहूँगा जिला प्रशासन से कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो बच्चे मृत हो चुके हैं उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए। बाकी जो चार बच्चे हैं उसकी हालत अभी कैसी है? अभी तो फिलहाल ठीक है। कहाँ है? लेकिन वो अभी यही है, गाँव में ही है। इलाज के लिए कहीं लेके नहीं? अभी तो लॉकडाउन के कारण कोई कहीं जाना नहीं चाहता, बगल में कुछ ट्रीटमेंट कराया गया है, देखते हैं शाम तक में उनको भेजा जाएगा। तो हम ठेकेदार को मना किए कि जब तक जई साहब नहीं आएगा तब तक आप मिट्टी नहीं काट सकते हैं, लेकिन कुछ दलाल के थ्रू ये मिट्टी काटा जा रहा। आज अगर मिट्टी 3 दिन पहले रोके थे, अगर नहीं काटा जाता तो आज मेरे गाँव में ये हादसा नहीं होता। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? जिम्मेदार हम ठेकेदार को मान रहे हैं, गांव के उन दलालों को, गांव को उन दलालों को मान रहे हैं जो खड़ा रह के वहां कटवाता है मिट्टी। जब हमने मना किया, नाम कुछ था गांव ग्रामीण का। अच्छा, जेई साहब से किसी की बात हुई है इस मैटर में? हमसे बात हुई है, आज बात नहीं किए हैं। जेई साहब अभी तक यहाँ नहीं आए? नहीं, जेई साहब अभी तक यहाँ नहीं है। प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे कि नहीं? प्रशासन को खबर हुई है, प्रशासन आ रहा है। ये बताइए कि इस वक्त ठेकेदार क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? ठेकेदार बोल रहा है अभी हम पटना में हैं। अच्छा, जेसीबी यहाँ था, जेसीबी को भगा दिया गया और जेसीबी को हम लोग कुछ दूर जाके पकड़ के लाए हैं अभी। मुंशी जो काम करवा रहा था वो मुंशी भी भाग गया यहाँ से, कोई भी काम करने वाले नहीं मिले? नहीं, उसका ड्राइवर को रखे हुए, जेसीबी का ड्राइवर है। आखिर इस मासूम के जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन किस तरह इस पूरे घटनाक्रम को देखती है, ये एक सवालिया निशान है।